काहे खातिर आयल बनी हाँ आयल बनी कि शिक्षा जो बहु मोदी जी ले लेलन ले लेलन हाँ वोट देवे के वोट दिले रही वोट देवे के बेरी जनता से वोट ले लेते हैं अपना कुर्सी बकरार रखे खातिर काहे खातिर आयल बनी हाँ काहे खातिर आयल बनी हम आंदोलन करे खातिर आयल बनी आंदोलन केकरा खिलाफ आंदोलन करो हम नीतीश मोदी के खिलाफ मोदी के खिलाफ। जय भीम। आप देख रहे हैं लाइव बुधा। अमीर हो या गरीब, पीएम हो या सीएम, हम सबकी भूख मिटाते हैं। हम किसान हैं साहब, इस देश को चलाते हैं। तो इस तरह के जो शेर है, इस शेर के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तमाम जो किसान का जमड़ा लगा हुआ है और बहुत सारे किसान लीडर्स और किसान नेता और किसान जो खुद किसान वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है इस सम्मेलन में। मैं आपको बताते चलूँ कि ये सम्मेलन इसलिए है क्योंकि जो एमएसपी और जो तमाम मूल्य किसान का जो था लागू करने का, उस मसले पर तमाम छोटे बड़े किसान को समझाने के लिए बात थी और इसी मसले पे किसान लोग ने यहाँ सभा बुलाए और इसमें अपने बात रखने के लिए, जो वर्तमान सरकार है यानी बीजेपी की सरकार, उसे अपने बात रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्यों आप इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ? किसान समारोह में क्या मांग है? मांग है मजदूर को मिलना चाहिए योगदान। योगदान मिलना चाहिए जी। इस सरकार से खुश हैं? नहीं, खुश कहाँ है, खुश रहते तो आते फिर यहाँ। खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है? क्या की है इस सरकार ने? बहुत महंगाई कर दी है हम लोग का। मतलब कोई महंगाई नहीं, कोई रेट नहीं है। क्या महंगा हुआ है? महंगा हर चीज का महंगाई बढ़ते जा रहा है। हम लोग का गला कुछ महंगाई नहीं हो रही है, ना चावल महंगा है, ना गेहूं महंगा हो रहा है। शिक्षा उच्छा पढ़ाई भाई? पढ़ाई उढ़ाई तो मजदूर हैं हम लोग। क्या नाम बाबा? शिवपूजन दास। शिवपूजन दास, काची मांगवा नीतीश मोदी से? ढेर मांगवा, तीन सी महीना भइल धान पेट्रोल बढ़ी गई, हरेक चीज बिजनू गरीब कैसे हम जी अब जाए। महंगा हो गया सब चीज ना। सब चीज के भाव बढ़ल जाता है, धान चाउर के घटल जाता। सरकार से खुश बानी? हाँ, मोदी सरकार से खुश बानी? खुश बानी जो वह सब करावता लोग, वह सब कोई करावता। हाँ, सब तो क्या करावता है? देख सकते हैं ये बाबा का बहुत बड़ा बैठल वाले लोग बुझेलू, हमने के देखा था लोग गद्दी छोड़ा, वोट मांगे खातिर आ जाते हैं लोग अपन महंगाई। हाँ हाँ, अब आओ सुन लोग, अब यहाँ लोग तो का कह रहे, का करो अब का खब खा रहे के तो नहीं नौबत लागल बा। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ा दे, हम जा छूट जाए कि छोड़ा दे जाए, अपन ने छोड़ दी लो। तो देख सकते हैं बाबा के अंदर बहुत बहुत गुस्सा है महंगाई के लेके, भ्रष्टाचार के लेके। जो केंद्र में बैठे हैं सरकार, उनसे ये साफ साफ मांग कर रहे हैं कि नहीं, जब वोट मांगने का समय आता है तो आप लोग बहुत बहुत बड़े गाड़ियों और बहुत बड़े काफिलों के साथ आप लोग आ जाते हैं, लेकिन जब बात महंगाई की आती है, जब बात शिक्षा की आती है, जब बात रोजगार की आती है, तो उसके बाद एक बार आने के बाद आप लोग सारा चीज़ भूल जाते हैं। कुछ ख्याल नहीं रहता है कि आम जनता किस तरह से जी रही है या किस तरह से नहीं जी रही है। सिर्फ आप अपने एसी रूम में बैठकर तमाम अपने मनमानी तरीके से कि कानून बनाएंगे, चाहे वो किसान के खिलाफ हो, चाहे वो युवाओं के खिलाफ हो, इससे आप लोगों का कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने एसी रूम में बैठकर आप अपनी कानून बनाते रहे, वो भी अपने पक्ष में, किसान के पक्ष में नहीं, रोजगार और युवाओं के पक्ष में नहीं। ना तो आपके रोजगार दे रहे हैं, नहीं तो महंगाई कम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं, आप अपने धुन में लगे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रवेश राम। जितना गरीब आओ, गरीब के लड़का पढ़ नहीं खन पावत, ऐसे कि सब प्राइवेट स्कूल खोलवा दिल बन, गरीब के लड़का कहाँ पढ़े। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ना होला? पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होला, सर पैसा लागेला। पैसा लागेला गरीब के लड़का, ओमे पैसा नहीं खेत, गरीब के लड़का कहाँ दियन। पैसा के सबसे बहुत बड़ा का खेल बा ना, दिक्कत बा। अब वो जैसे जनता ने हमनी के वोट दे के जीता के भेज नहीं जा, वो दिल्ली में कुर्सी बैठ के एसी रूम में आज आराम कर रहा बन, कुर्सी छोड़कर के हटस। कैसे छोड़ी हन हटी हन? काहे हमनी के जनता सब ठीक बानी जा? ठीक बानी तो कैसे छोड़ी हन? रउरा वोट देवे के बाजी वोट दे के देतनी, फिर बाद में कहत नहीं कुर्सी छोड़। अब की बार मोदी के वोट ना मिले। केकरा के वोट मिली? मिली माले पार्टी के, गठबंधन के।
सरकारी स्कूल में जब पढ़ाई ना हो तो प्राइवेट स्कूल खुलबे न करी तो सरकारी ओसन के भेज दिल मुखिया चुन दिल कि मुखिया अनपढ़ अनपढ़ आदमी के बहाली कर दिल कार्रवाई करत नहीं जा कार्रवाई क्या कर दी जा पैसा दे दे करके फिर वही पद पर हो जाता घूसखोरी भ्रष्टाचार हाँ घूसखोरी भ्रष्टाचार ज्यादा बा ऐसे मोदी कुर्सी सो छोड़ो अच्छा केकरा के बुलाई भाई केकरा के बुलाई हमनी के तेजस्वी के बुलाई जाए तेजस्वी के हाँ तेजस्वी से खुश बानी हाँ खुश बानी देख सकते हैं ये लोग बहुत खिलाफ हैं मोदी गवर्नमेंट के भाजपा के और जो वर्तमान में भारत में सरकार बनी है गठबंधन के महागठबंधन CPI MLA RJD और JDU के साथ तो इन लोगों से काफ़ी खुश है तेजस्वी से काफ़ी आशाएं हैं नीतीश से काफ़ी आशाएं हैं क्योंकि नीतीश इससे पहले BJP में थे BJP को छोड़ के हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए हैं तो तमाम ऐसे वादे किए जा रहे हैं तमाम ऐसे वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं इससे इन लोगों का लग रहा है कि वो तेजस्वी जो है हमारी बात को सुनेंगे हमारी महंगाई कम करेंगे शिक्षा देंगे रोजगार देंगे तमाम ऐसे बातें से ये लोग आशा है इन लोगों का कि जो वर्तमान सरकार है बिहार में वो हमारी समस्याओं का सुनेगी और इस पर समाधान करेगी क्या नाम पड़ेगा आपका नाम बताई कृष्णा महतो काहे खातिर हम आइल बनी काहे खातिर इन बुझात नहीं के अब हम अनियो कहे के परल तो बताई काहे खातिर आइल बनी हां बताई काहे खातिर हां एथि खातिर पढ़ाई होते नहीं के सब होते नहीं के तब हम यही खातिर रो खिलाफ है बनी हां तो खिलाफ नहीं की तो का बनी काहे खातिर ना पैसा लगा के गाड़ी से आइल बन जाए यही खातिर न अपना अपना बगली से पैसा लेके आइल बनी हां जी तब ऐसा ही का जरूरत है इतना दूर आवे खातिर का जरूरत रहे एथी खातिर ना आइल बन जानू काची खातिर कि हमनी के मिले मान सम्मान और खातिर मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब जितना भी भारत के हिंदू है सब टाइट हो जाओ मुसलमान को टाइट करना है हाँ टाइट करना है ना मुसलमान हम लोग का भाई है मुसलमान हम लोग का भाई है हम लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं मुसलमान हमारा भाई है तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है नहीं हिंदू मुस्लिम सब एक भाई है हम लोग मिलजुल करके रहते हैं लेकिन मोदी जी जो है शिक्षा को ले बैठे हैं और राशन बूट दे करके बानर को बजाते हैं बूट पवानर हाँ बूट दे करके बानर को बजाते हैं मोदी जी यही करते हैं और एसी रूम में बैठ करके देश विदेश घूम रहे हैं यह जनता का पैसा है ना विदेश ले पैसा लेते हैं कर्ज वह कर्ज किनको देना पड़ेगा यह जनता को देना पड़ेगा जनता पर टैक्स लगा के सब आप टैक्स लगा रहे हैं आज तो जो वर्तमान में टैक्स लगा वो तो आटा चावल सब पे टैक्स लग गया है जो आटा का पिसाई है बिजली वाला वो 2 रुपये किलो पीस रहा है अब बिजली का लाइन और गाड़ी जो है ट्रेन बूढ़े आदमी को फ्री जाना पड़ता है अब इस समय पैसा लेते हैं और दे दिए हैं पब्लिक को सरकारी नहीं रह गया है प्राइवेट कर दिए हाँ प्राइवेट कर दिए है स्कूल भी प्राइवेट होने जा रहा है सब चीज प्राइवेट होने हाँ हाँ इसलिए मोदी जी के हम लोग खिलाफ हैं मोदी जी अपना एसी रूम छोड़ करके हटिए आप चाहते हैं कि प्राइवेट ना एकीकरण हो निजीकरण ना हाँ हम लोग तेजस्वी को बैठाएंगे मोदी जी अपना कुर्सी छोड़िए देख सकते हैं इन लोगों का साफ साफ मांग है कि भारत में जिस तरह से बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इन लोगों के खिलाफ है चाहे वो शिक्षा का हो स्वास्थ्य का हो रोजगार का हो ट्रेन भेल IT सारा चीज़ प्राइवेटाइज किया जा रहा है एक के बाद एक करके झड़ी लगा दिया जा रहा है प्राइवेटाइज करके और महंगाई को तो छोड़िए महंगाई कमर तोड़ के बढ़ रही है आप इस मुद्दे पर ये लोग बहुत खिलाफ है इस वजह से वर्तमान जो सरकार है उनके खिलाफ हैं बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं अगले खबरों के साथ यानी अगले एपिसोड के साथ बने रहिए हमारे साथ यानी लाइव बुझा के साथ तब तक जय भीम जय भारत जय संविधान अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर जरूर करें अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।